इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव इज, इक्वेशन दे रखी हमें, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है ये हमें बताना है। ओके दिस इक्वेशन इज द गिवन। तो इस केस में एक बात याद रखना कि एक्स की वैल्यू अगर नेगेटिव साइन आ रहा है तो वो किस तरफ जा रही है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस अलोंग। अगर एक्स की वैल्यू पॉजिटिव साइन आ रहा है उसके आगे तो वो जा रही है नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग। ओके दिस इज द मेन क्लू। तो इसमें अगर हम देखें के इक्वल टू 2π/λ होता है हमारे पास, तो 2π के की वैल्यू है हमारे पास 10π, तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ 10π इक्वल टू 2π/λ। यहाँ से हमारे पास लेमडा की वैल्यू आ गई 2π/10π यानी कि 1.5 यानी कि 0.2 मीटर। तो ये इक्वेशन तो मैच होगी, 0.2 यूनिट हमारे पास वेवलेंथ है। और देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या मैच करता है। ओमेगा इक्वल टू हमारे पास दे रखा है 11π, तो ओमेगा इक्वल टू होता है के भी, तो 11π इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 10π v, यानी कि वी की वैल्यू क्या होगी 11 by 10 1.1 मीटर पर सेकेंड। ओके टी क्या होता है हमारे पास 2π/ω, यानी कि 2π/ω हमारे पास 11π, तो 2/11 हमारे पास क्या आ गया टाइम। तो एक ही ऑप्शन मैच होता है वो भी क्या है लेमडा, वेवलेंथ है 0.2 मीटर।